मैम वो भी नहीं है, कुछ देर पहले ही गए हैं बाहर लंच के लिए। भाभी मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगी। तो इसका मतलब है कि तैमूर और फलक साथ लंच करने गए हैं बाहर। फलक मुझसे झूठ बोल कर गई है, वो तो कह रही थी कि वो किसी दोस्त से मिलने जा रही है। ये दोनों मुझसे छुपकर क्या लैला मजनू का तमाशा कर रहे हैं? आखिर प्लान क्या है इनका? सारा मूड ऑफ कर दिया मेरा। इसी बिल्डिंग में रहती है मैरी। आगे से लेफ्ट ले लें। थोड़ा टाइम उसके साथ गुजार लेती हूँ, फिर घर जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। सुबह कहाँ चली गई थी? बगैर बताए चली जाती हो। तुम्हें पता है ना, तुम या आसिम बगैर बताए कहीं चले जाओ तो मैं बहुत परेशान होती हूँ। ओफो पप्पू, यूँ परेशान नहीं होते। वो दरअसल रात में मैं आपको बताना भूल गई थी कि आज मेरे 2 इंटरव्यूज हैं, और सुबह भी इतनी देर हो गई थी कि बस जल्दी जल्दी मैं निकलते हुए आपको बताना भूल गई। इंटरव्यूज? क्या जॉब ढूंढ रही हो? जी पप्पू, और इसमें हर्ज ही क्या है? मुझे भी अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। मगर बेटा अभी तो तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। पप्पू बस 2 सेमेस्टर रह गए हैं, या तो मैं उसे नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट कर लूंगी या फिर जॉब के साथ कंटिन्यू कर लूंगी या फिर फ्रीज कर दूंगी, लेकिन पहले जॉब तो मिल जाए जिस तरह आज इंटरव्यू हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई जॉब मिल पाएगी। मगर बेटा सारे हालात तुम्हारे सामने हैं, और फिर घर का मामला, घर अगर हाथ से निकल भी गया पप्पू तो क्या होगा? मैं किसी हॉस्टल शिफ्ट कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपना बोझ किसी पर नहीं डालना। अपना बोझ मुझे खुद उठाना है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ।